The third video based on your descriptive writing, ठीक है. Second आपके पास जो होगी option, वो narrative के बाद descriptive है अगर आपने attend करना है. Argumentative पे teachers mostly इसलिए emphasize नहीं करते कि उसमें your point of view may not differ with the point of view of the examiner. तो then things may turn or why, ठीक है. फिर situation फर्क हो सकती है. तो argumentative essay में भी थोड़ा सा बाद में बात करने की, अभी हम बात करते हैं descriptive essay की. Again, how many marks? 30 marks, 30 minutes. 30 marks, 60 minutes, and what's the word count? 500 words. अच्छा जी, 3 to 5 paragraphs. Keep this in mind. Either narrative आप attempt कर रहे हैं, descriptive कर रहे हैं, 3 to 5 paragraphs. 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कितने लिख रहे हैं. 300 to 500 words. आपके 450 to 500 approximately हो. 450 to 500. ठीक है. यू नीड नॉट टू एक्सीड द वर्ड लिमिट. आप 500-600 भी लिख लें, लेकिन अगर आप बेहतरीन इमेजिनेटिव भी लिख लें, क्रिएटिवली लिख रहे हैं, तो आपके ए स्टार और डिस्टिंक्शन 450 वर्ड्स पे भी आ सकते हैं, 500 पे भी आ सकते हैं. ठीक है. 350 मिनिमम वर्ड पर, 351 लिखे नहीं आपके मिल जाएंगे जी. नहीं, द जॉब्स डन. ठीक है. अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अब अगर आपने अटेम्प्ट करना, तो उसमें हमारे पास क्या है, आपने कैसे करना है, उसमें एक टॉपिक हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का देख लेते हैं. Describe an event that took place in the public park. This is a topic from one of your past papers. क्या है हमारे पास? Describe an event that took place in the public park. अब ये event क्या हो सकता है? Descriptive essay की बात हो रही है. जी, जल्दी बताएं. Event that took place in the public park. क्या event हो सकता है? It can be a circus in the park. It can be a concert in the park. It can be any function in the park. Wedding ceremony. Swimming gala, if there is swimming pool in the park, वो भी हो सकता है. Running competition in the park. A birthday party, very good. Garden function. Growing plants भी हो सकता है. Planting seeds बिल्कुल हो सकता है. क्या था जी? Describe an event that took place in the park. Simple description. अब descriptive ऐसे आप करते क्या हैं? Either you describe person, एक person. Narrative में क्या होता है? 2 or 3 characters. यहाँ पे एक है. मसले टॉपिक इस तरह का, पास्ट पेपर में एक और टॉपिक भी आया हुआ कि डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन इन योर नेबरहुड. ठीक है. उसी तरह से एक बंदे को हमने डिस्कस करना, उसकी पूरी दिन की रूटीन, किस तरह से वो सारा दिन प्रोफेशनली वर्क करता. ठीक है. अब ये टॉपिक था हमारे पास डिस्क्राइब एन इवेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इवेंट टुक प्लेस इन द पब्लिक पार्क. क्या कि पूरी उसकी प्रोसीडिंग्स आपने लिखनी है, किस तरीके से क्या इवेंट हुआ, कैसे बिगिनिंग हुई, कैसे मिडल हुआ, कैसे एंडिंग हुई. सिंपल डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन में आप अपनी क्या डिस्क्रिप्शन देनी है. विजुअल डिटेल्स, अगर कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट क्या होगी. विजुअल डिटेल्स, द स्टेज वाज प्रिपेयर्ड. स्टेज वाज प्रिपेयर्ड, बड़ी कलरफुल थी स्टेज. ठीक है. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स वर कॉल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये ऑडिटरी आ गया. फाइव सेंसेस, जो ह्यूमन फाइव सेंसेस है, ये फाइव फैकल्टीज है, उस पर आपने फोकस करना है. विजुअल हो गया डिटेल. ठीक है. स्टेज के बारे में आपने लिख लिया, ऑडिटरी, म्यूजिक, सारा कुछ. उसके बाद और सेंस ऑफ टच, टैक्टाइल. ठीक है. पीपल क्लैपिंग, शाउटिंग, येलिंग, स्क्रीमिंग ऑन द टॉप ऑफ देयर लंग्स. ठीक है. उसके बाद दो सेंसेस और रहेंगे जो हमारी फेवरेट है, सेंस ऑफ स्मेल और फैक्ट्री एंड गेस्टेट्री, सेंस ऑफ टेस्ट. बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग लाहौरीज, वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ दीज, स्पेसिफिकली दीज टू सेंसेस. बाकी अगर चलती है तो ठीक है, लेकिन ये दे शुड वर्क. अगर कोई बाहर आपके, उसके बाद कॉन्सर्ट्स के, आपको पता कि वी हैव ऑल दिस ईटिंग अरेंजमेंट एज वेल. ठीक है. हॉस्पिटैलिटी होती है वहाँ पे, तो अगर बारबेक्यू है वहाँ पे, तो वो भी उसके बारे में लिख सकते हैं. अभी सेंस ऑफ उसकी जो डिलीशियस अरोमा है, सेंस ऑफ स्मेल होगी, और गेस्टेट्री, सेंस ऑफ टेस्ट. An event that took place in the public park. अब एक और टॉपिक इस तरह के देख लेते हैं. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. Describe a scene outside the sports stadium immediately before the beginning of an important match. Read the topics very carefully. Describe the beginning of an important match. Describe the scene outside the stadium immediately before the beginning of an important match. So इसमें मैच नहीं आएगा, जहां मैच शुरू होगा वहां कैसे खत्म हो जाएगा. तो वट वुड यू राइट, लेट सपोज अगर आप लिस्ट में लिखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल वर्ल्ड कप मैच होगा, कहां पे हो रहा है, कदम स्टेडियम लाहौर में होगा. सो ये सारी आप उसकी पूरी एवरी बिट ऑफ डिटेल आप लिखेंगे. ठीक है. अब आप वहां क्या लिखेंगे, बिफोर द बिगनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मैच क्या हो रहा है जी वहां स्टेडियम में. भाई पीपल आर कमिंग इन मल्टीट्यूड्स, थ्रॉन्स ऑफ पीपल, हॉर्ड्स ऑफ पीपल. ठीक हो गया. अब ये विजुअल डिटेल्स क्या दे रहे हैं, कलरफुल ड्रेसेस, टी शर्ट्स, पेंटेड फेसेस, फ्लैग पेंटेड ऑन द फेसेस. ठीक है. ये तो होगी विजुअल डिटेल. ठीक है. उसके बाद स्लोगन्स, उन्होंने द रेजिंग स्लोगन्स,
फिर वही शाउटिंग यलिंग स्क्रीमिंग ऑन द टॉप ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये होगी ऑडिटरी. उसके बाद जैम पैक आपका जो पार्किंग जो एरिया वो हो गया. उसके बाद स्लोली स्टेडली प्रोसीड कर रहे हो, सेंस ऑफ विजन, विजुअल, ऑडिटरी, सेंस ऑफ टच, क्या क्लैपिंग, डांसिंग, म्यूजिक, वो सब कुछ हो रहा है स्टेडियम के, ठीक है. दे आर ऑल अप्रोचिंग टूवर्ड्स द स्टेडियम. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगेन वहाँ पे फिर वही जो अरेंजमेंट है फूड का, रिफ्रेशमेंट्स का. फूड लुक्स लिटिल अनअपीलिंग, रिफ्रेशमेंट्स लुक, रिफ्रेशमेंट एक्चुअली रिफ्रेशेस यू द वर्ल्ड इटसेल्फ. तो रिफ्रेशमेंट्स है, अगेन वहाँ बारबेक्यूज है, और उसकी जो साथ जो डिलीशियस अरोमा है, उसका जो माउथ वाटरिंग अरोमा है, दैट इज वाफ्टिंग इन द एयर, फ्लोट करता वहाँ है. और ये सेंस ऑफ स्मेल ऑल्फैक्टरी एंड योर टेंटलाइज्ड, ठीक है, हाईली अपील एंड अट्रैक्टेड. एंड इफ यूर डाइनिंग देयर एज वेल, सेंस ऑफ टेस्ट हो गया, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद ये बॉर्ड टिकट्स, एंटर द स्टेडियम, यू आर अगेन अपील्ड बाय द स्टेडियम. अगर वो बात हो रही क्रिकेट मैच की, अब इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो आप उसमें बिगनिंग ये भी लिख सकते हैं कि इट्स नॉट अ मैच, इट्स मोर ऑफ अ वॉरफेयर, ठीक है. एंड दीज आर नॉट टू क्रिकेट टीम्स, दीज आर टू यू नो राइवलरीज एट द वेरी बेस्ट, एट द वर्स्ट रादर, ठीक है. और उसके बाद दे आर द वॉरियर्स रादर. वो कहते थे हमने दुनिया में किसी शख्स से हार जाना, ना इंडिया से हारना तो ना अदरवाइज, दिस इज द हाउ द अदरवाइज द पीपल थिंक, ठीक है. दिस इज हाउ इट इज, आपने इसको अटेम्प्ट करना है. तो इट द एसे द डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी अपीलिंग, आई कैचिंग डी गेम, फाइव सेंसेस को, फाइव फैकल्टीज को आपने इवोक करना है, अवेक करना है एग्जामिनर की. एक और टॉपिक, थर्ड टॉपिक, इसमें भी टेंस का बहुत अमल दखल है, ठीक है, हाईली कंसर्न. अब टॉपिक क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द फर्स्ट आवर ऑफ डे एट स्कूल, विच टेंस जी, डिस्क्राइब, रीड द टॉपिक केयरफुली, लिसन केयरफुली. Describe the first hour of day at school. 3 to 5 paragraphs. Again, descriptive details, visual details, auditory, past. Tactile, past. No. Present. Why present? Describe the first hour of day at school. Like which tense? At school. Which tense? You said past? No, not in the past. Present. Why? Describe the first hour of day at school, which occurs every day in the world. Tense नहीं, ध्यान से टॉपिक को पढ़ें, इसमें कोई भी आ सकता है. You never know, futuristic है कि past में भी किसमें, present में. So simple topic है वही कि describe the first hour of day at school. आप वही उसको डिटेल से लिखेंगे. हर रोज कैसे लिखते हैं? As you enter the school gate, all that the amazing infrastructure, eye catching, you know, captivates you. It's one of the most, you know, appealing, charming, alluring, captivating aspects. It's compelling you to come to the school, ठीक है. उसके बाद all the students are there playing around before the assembly, before the assembly, before the beginning. अब ये first hour of day school at आपका जाके उस आपकी class शुरू हो जाएगी, assembly हो जाएगी, फिर वही detail है, flag hoisting ceremony होगी वहाँ पे, ठीक है, national anthem होगा, auditory details हो जाएंगी, students are in uniform, in proper queues, queue के spellings ठीक लिख रहे हैं, QUEUE, ठीक है, CUE नहीं लिख देना. अच्छा जी, उसके बाद कम टू द क्लास. और अगर आपकी क्लास इंग्लिश लैंग्वेज की पहला पीरियड है, सो दैट इज मोस्ट वेलकमिंग फॉर द स्टूडेंट्स. एंड इफ इट्स एनी अदर सब्जेक्ट, लेट्स सपोज इफ इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट कंपैरेटिवली, लेट्स सपोज इट्स मैथमेटिक्स और मैथ्स, तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ देम दे फील लिटिल अनईजी. तो अदरवाइज वी हैव द फाइनेस्ट ऑफ मैथ्स टीचर्स, बोथ दे मेक इट वेरी कलरफुल ऑन द लेक्चर्स. एंड इफ स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चंस, दे शुड फ्रीली एंड फ्रेंकली आस्क द टीचर, ताकि लर्निंग की एक स्पिरिट हो, एटमोसफियर हो, सारे लर्न करें. क्योंकि बात में एक क्वेश्चन बहुत सबके दिमागों में होता है, सब स्टूडेंट्स के, बट आउट ऑफ हेजिटेशन पूछता ही नहीं, ऑलवेज आस्क, ठीक है. वही बात है, कॉन्फिडेंटली करना है. डिस्क्रिप्टिव ऐसे है आपके पास, ये टॉपिक्स हमने 3 डिस्कस किए हैं, जो कि जिसमें टेंसेस का भी एक था कंसर्न, और मोस्ट रेलिवेंट मैटर शुड बी रिटन. इरेलीवेंट कुछ नहीं लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी. पुट योर हार्ट इन व्हाटएवर यू डू. अगेन मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, इट विल मेक यू अ पर्सन हु विल बी हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, बाय पुटिंग योर हार्ट इन योर एग्जामिनेशन पेपर. पीसफुली, पीस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंटली दुआएं अगर आपने पढ़नी एग्जाम से पहले बिल्कुल पढ़े, इसेंशियली एग्जाम देने के बाद भी पढ़े,
इसमें कोई हार्म नहीं है, बट वी शुड डू इट, वी शुड प्रैक्टिस इट, और फिर वो हमारे पास एक कहीं भी सपोर्ट भी होती थी. लेकिन सबसे पहले प्रिपेयर वेल इनफ फॉर योर पेपर, फॉर एग्जाम, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो सब सब्जेक्ट्स के लिए आपको पूरी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर पहले करना चाहिए पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर. वो जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं दो तीन माह का एंड पे, दैट इज नॉट द वे टू स्टडी. आई टेल यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. जो भी आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, सबके साथ शेयर करें, सब स्कूल्स के बच्चों के साथ ग्रुप्स के अंदर. आई थैंक यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू. इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़.